मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है तो ये सब महादेव जी की ही मर्जी है, तो इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना, वरना तुम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को खो दोगे। इसलिए इस संदेश को पूरा देखना, वरना पछतावा होगा। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। महादेव जी ने यह संदेश खासकर तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं इस संदेश को पूरा देखना, वरना पछतावा होगा। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। महादेव जी ने यह संदेश खासकर तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मैं इस संदेश के अंत में तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा जो तुम्हारे साथ घटित होने वाला है, इसलिए इस संदेश को पूरा देखना। मेरे बच्चे, महादेव जी का संपूर्ण आशीर्वाद आप पर विराजमान है। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको महादेव जी पर अटूट विश्वास है तो 555 अटूट टिप्पणी करें। मेरे बच्चे, यह महीना अब साल के आखिरी पड़ाव पर है। महादेव जी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वह स्वर्ग से कुछ कह रहे हैं। वह महिला अभी आपकी वर्तमान स्थिति देख रही है और उसे बहुत दुख हो रहा है कि आप अभी तक इतने कष्ट और पीड़ा में हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे कष्ट और पीड़ा आज के बाद दूर होने वाले हैं। वह स्वर्ग से आपको आशीर्वाद देना चाहती है। भाग्योदय और सफलता का इस आशीर्वाद के कारण आपको अब सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। प्रचुर धन अब आपके पास आने वाला है, ताकि आप अपनी वर्तमान स्थिति सुधार सकें और सुख से जीवन बिता सकें। भाग्यशाली संख्या 1111 टिप्पणी, भरपूर आशीर्वाद तैयार है। मेरे बच्चे, अभी तुम बहुत परेशानियों को झेल रहे हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। बार बार कोशिशें नाकाम हो रही, असफलता मिल रही। अभी तुम्हें अपने उन पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद दे रही हूँ। अब जल्दी ही तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। मेरे बच्चे, सभी दिन एक से नहीं रहते। अब जल्द ही तुम्हारे पास एक पक्की नौकरी होगी, एक
सुंदर घर होगा और तुम जिसे चाहते हो उसी के साथ तुम विवाह के बंधन में बंध जाओगे और यह तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद के द्वारा ही संभव है। मेरे बच्चे, अब तुम मेहनत से पीछे मत हटना, लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि अब तुम बस अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हो। बहुत शीघ्र तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा जो कि तुम्हारी प्रगति से जुड़ा होगा। वह समाचार जो एक व्यक्ति लेकर आने वाला है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा कि अब तुम्हें आगे क्या करना है, अभी तक कौन से गलती कर रहे हो और अब उस गलती को फिर से मत दोहराना। तब तुम समझ पाओगे ताकि अब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना हो। वह महिला जो अब तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, उसी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन सुखों से भरने वाला है। अब धीरे धीरे तुम्हारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक विशेष चमत्कार होगा और तुम्हारे सारे सपने अब साकार होंगे। सुख, समृद्धि और संसाधनों से अब तुम्हारा जीवन भरने वाला है। अभी जो भी समस्या और परेशानी तुम महसूस कर रहे हो, वह अति शीघ्र अब मैं दूर करने वाला हूँ। बस तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे बच्चे, तुम आजकल बहुत सोच विचार में उलझे रहते हो कि तुम्हारे जीवन में ये क्या चल रहा है, लेकिन अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बिल्कुल ठीक है और अब मैं तुम्हें बहुत से नए नए अवसर प्रदान करने वाला हूँ। मेरे मार्गदर्शन से तुम बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। अगर तुम्हें मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास है तो हाँ, पूरा विश्वास है, टिप्पणी करें और महादेव जी के सभी मार्गदर्शक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, तुम जो ये कड़ी मेहनत कर रहे हो तो तुम स्वयं अपने सपनों को साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, तुम कई बार अंधकार में डूब जाते हो, सोचते हो इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। अब तक तुमने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ था। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हारे पास सब कुछ होगा। ये हमेशा से इंसान की आदत है कि जो उसके पास जो भी है वर्तमान में वह उसका आनंद नहीं लेता और जो नहीं है उसकी चिंता करता है, उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है और बस यही क्रम चलता रहता है।
मेरे बच्चे, तुम ये सब छोड़कर जीवन का सच्चा आनंद लो। तुम्हारे अब वह सब काम सिद्ध होने वाले हैं जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। अगर तुम मुझे मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, तुम यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम आज तक अपनी शक्तियों को नहीं समझ पाए। तुम्हारा जन्म इतने से कार्य के लिए नहीं हुआ है। दैवीय आशीर्वाद है तुम पर और तुम दिव्यता से भरे हो। कुछ बहुत ही बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए महादेव जी ने स्वयं तुम्हें चुना है। जब मंजिल इतने पास है तो अब बिल्कुल भी मत घबराओ। बस जहां तुमने इतना परिश्रम किया, थोड़ा सा और प्रयास करो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत से जिंदगियां जुड़ी हुई हैं जिन्हें तुमसे सहायता की आशा है। कई लोग जो ये कहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां पर कि तुम अब हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा परिश्रम तो करना ही होगा जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरे बच्चे, तुम वहां नहीं देख पा रहे हो जहां तुम्हें और लोग देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हर मनुष्य के साथ नहीं देते हैं, लेकिन तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी घबराना मत। तुम्हें उन कठिन रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बस एक कार्य कि तुम्हें अपने आसपास वाले लोगों की सहायता करना है। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर संकट को मैं दूर करूंगा। तुम्हारे हर एक वह क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध होगा, उसे हर हाल में पराजय का सामना करना होगा और तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि तुम मुझ में लीन रहते हो। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अभी उस चीज की चिंता मत करो कि वह तुम्हें कब मिलेगा। जो भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारे जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख तो संतोष है। जिस भी व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वही सुखी और खुश है। वरना बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश
नहीं है। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ क्षणों में तुम अंदर तक टूट जाते हो और तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, परंतु जब तुम्हें ऐसे लगे कि जीना व्यर्थ है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखें और पूर्ण आशीष के लिए 1515 टिप्पणी करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव जी के ऐसे ही संदेश को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस प्रकार तुम कड़ी मेहनत में लगे हो तो तुम्हें उस मेहनत का अति शीघ्र फल मिलने वाला है। अपनी इसी मेहनत के बलबूते पर मेरे आशीर्वाद से तुम अपने सपने को साकार होता हुआ देखोगे। जीवन के हर कठिन रास्तों को पार करके अपनी उस खूबसूरत मंजिल को पा लोगे जिसके लिए आज तक तुम बिना रुके कड़ी मेहनत करते रहे हो। अगर आपको उस खूबसूरत मंजिल पर है तो अवश्य महादेव जी टिप्पणी करें।